हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा 2018 और उद्योग भर्ती परीक्षा के लिए जो राजस्थान इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के उद्योग और महत्वपूर्ण योजनाएं, इनके बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए उद्योग, तो दो तरह के उद्योग होते हैं, एक तो विनिर्माण और एक सेवा क्षेत्र के उद्योग। तो देखिए इसमें चार प्रकार के होते हैं, अति लघु, लघु, मध्यम और वृहद। 25 से 25 लाख तक तो जो होता है उद्योग वो निर्माण में होता है अति लघु, 25 लाख से 5 करोड़ तक लघु उद्योग, मध्यम उद्योग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ज़्यादा वृहद उद्योग। इसी तरह से सेवा क्षेत्र में देखिए आप, 10 लाख तक तो अति लघु होता है, 10 लाख से 2 करोड़ तक लघु होता है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक मध्यम होता है, और 5 करोड़ से अधिक वृहद उद्योग होता है। सर्वाधिक अति लघु उद्योग आपके जयपुर ज़िले में है, लघु उद्योग भी जयपुर में है, मध्यम अलवर में है, और वृहद भी अलवर में है। उसके बाद देखो कुल उद्योग कहाँ पे, सबसे ज़्यादा जयपुर ज़िले में और सबसे कम प्रतापगढ़ में है, जो कि आपके राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला है। अगला देखिए लघु उद्योग यंत्रीकृत, आधुनिक और श्रम देय होते हैं, यानी कि इसमें किसी को मजदूर लगाना पड़ता है और आपको श्रम पे करना पड़ता है, जबकि कुटीर उद्योग परंपरागत ट्रेडिशनल होते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। अब उद्योगों का विकास करने वाली संस्थाएँ कौन कौन सी, तो वो है RFC, RASCO, RICO और RUDA। RFC की स्थापना 1955 में की गई, RASCO की स्थापना 1961 में की गई, RICO की स्थापना जनवरी 1980 में की गई, और RUDA की स्थापना नवंबर 1995 में की गई। आगे देखें RFC क्या है। RFC यह IDBI और IFCI के एजेंट के रूप में कार्य करती है। यह पूर्णतः एक बैंकिंग संस्था है जो 2000 रुपये से लेकर 20 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण यह देती है। अब इसकी कौन कौन सी योजनाएं, पहली है सेमफेक्स, यह मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था। तो सेमफेक्स योजना क्या होती है, भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख तक ऋण दिए जाते हैं, यानी कि जो सैनिक है वो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो अपनी आजीविका कमा सके, इसलिए उन्हें 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है। अगली है टेक्रोनेट, ये जो इंजीनियर होते हैं जिन्होंने स्नातक यानी कि बीटेक कर लिया है लेकिन अभी उनके पास रोजगार नहीं है, उनको 20 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराता है। अगला है महिला उद्यम निधि, इसके अनुसार महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 20 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। अगला है शिल्प बाड़ी और हस्तशिल्प हेतु, इसमें 20 लाख रुपए तक महिलाओं को शहरों और कस्बों के लिए ऋण दिया जाता है। फ्लैक्सी ऋण स्कीम है, इसमें उद्योगों के विस्तार हेतु ऋण दिया जाता है। एक है टॉप अप स्कीम, इसको गुड बोरोवर्स स्कीम भी बोलते हैं। इसमें तीन तरह के कार्ड होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर पर 0.5% ब्याज लगता है, गोल्ड पे 1.0 और प्लेटिनम पे 1.5% ब्याज लगता है। आगे देखिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई, अप्रैल 2013 में 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को 2 करोड़ रुपए तक इसके अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगली है RASCO, यह लघु और हस्तकला उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। यह लोन के उत्पादों के विपणन हेतु राज्यस्तरीय एम्पोरियम उपलब्ध कराती है। कहाँ कहाँ पर, जयपुर, आमेर, माउंट आबू, उदयपुर, और इंडिया में कहाँ कहाँ पर, दिल्ली, आगरा और मुंबई। अब देखें निर्यात हेतु ICD का निर्माण कहाँ कहाँ पे, बासनी, जोधपुर, भिवाड़ी, अलवर, मानसरोवर, जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर। आगे देखें राजस्थान के ICD कहाँ कहाँ पे, जयपुर कनकपुरा में, बोरनाड़ा जोधपुर, राउठा रोड कोटा में। निजी क्षेत्र का एक ही ICD है, पाल रोड, जो कि आपके जोधपुर ज़िले में स्थित है। आगे देखिए रेलवे भी ICD का निर्माण कर रहा है, जो कि कहाँ पे, दोराई अजमेर में करवा रहा है। कीमती वस्तुओं के निर्वात हेतु RASCO का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में स्थित है। RASCO प्रचार प्रदर्शनी सम्मेलन आदि का भी आयोजन करता है। उत्पादकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी करता है ताकि उत्पादन में कुशलता लाई जा सके। RASCO के स्वयं के उत्पादन कौन कौन से, मयूर बीड़ी कारखाना एक तो जो टोंक में स्थित है, वर्तमान में बंद है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल जो कि लाडनू नागौर में, ये भी बंद है। RASCO के ट्रेडिंग सेंटर मारवाड़ी पेंटिंग, हाड़ोदी पेंटिंग, उस्ता कला जो कि बीकानेर की है, इसके नसरुद्दीन इसके जो थे उस्ता कला के जो बहुत अच्छे कलाकार थे, और फंड पेंटिंग जो कि शाहपुरा में। आगे देखिए RICO, RIMDC की स्थापना 1969 में हुई, जो खनिज और उद्योगों के विकास हेतु काम करती थी। RIMDC के उद्योगों के लिए अलग से RICO की स्थापना की गई। कार्य क्या करती है,
यह SML को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है, अंश भी खरीदता है यानी कि यह शेयर भी खरीदती है, परामर्श सेवाएं प्रदान करती है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करती है जो कि वर्तमान में कितने 330। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण करती है, विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना करती है जैसे EPIP एक्सपोर्ट पोर्ट्रेशन इंडिया बैंक पार्क सीतापुरा जयपुर में है, नीमराणा अलवर में और बोरनाड़ा जोधपुर में है। ये भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला देखें GNT पार्क गुड्स एंड GNJ पार्क, ये कहाँ पे सीतापुरा में। सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग पार्क कनकपुरा जयपुर, हार्डवेयर ट्रेडिंग पार्क कुकस जयपुर, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर और घिलौट अलवर। उसके बाद देखिए वूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, बीकानेर में नर्बदखेड़ा ब्यावर में, ये पहली बार खुला था, ये सेकंड और ये थर्ड गोना अजमेर। उसके बाद देखिए अपैरल पार्क, ये महल योजना जयपुर कारोली जो कि भिवाड़ी अलवर में, फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स ये आपका खुशखेड़ा अलवर में, लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर। उसके बाद ऑटो एक्सिलरी पार्क ये घाटेल में है टपुकड़ा अलवर, हीरो मोटर कार्प और होंडा कारपेंट स्कूटर्स नीमराणा में और ये टपोकड़ा भीलवाड़ी में। जेट्रो पार्क यानी कि जापानी पार्क ये माजरा काटा अलवर में है, कोटरा पार्क आपका घिलौट अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद जेट्रो पार्क सेकंड भी घिलौट अलवर में स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क सलारपुर ये भी अलवर में है। उसके बाद फार्मा स्टूबलिस पार्क ये कहाँ पे, बल्लड़वास उदयपुर। उसके बाद SEZ ये राज्य सरकार के कौन कौन से, सीतापुरा में, उसके बाद सीतापुरा में सेकंड है जो कि GNT और IT के क्षेत्र में कार्य करता है। निजी क्षेत्र में है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर रोड अजमेर में स्थित है, ये IT, ITS और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में कार्य करता है। निर्माणधीन एक तो जेनपैक्ट जयपुर में जो IT और ITS के क्षेत्र में, एक वाटिका, एक RNV जो पोंगल रोड बीकानेर में, ये टेक्सटाइल का कार्य करता है। सोनानी सेज जो कि घिलौट अलवर में है, ये IT और ITS का कार्य करता है और प्रस्तावित है मानसरोवर जोधपुर में। उसके बाद आगे देखिए रूडा, रूडा क्या है, रूरल नॉन परफॉर्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, स्थापना कब हुई, नवंबर 1995 में। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देती है। रूडा क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि गैर कृषि आधारित उद्योग होते हैं जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं होता, उनको बढ़ावा देती है, ऋण और ट्रेनिंग देती है लोगों को और विपणन में भी सहायता प्रदान करती है। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, बीकानेर अजमेर जयपुर और कोटा। क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है जयपुर में स्थापित किया गया। अगला देखिए वस्त्र हेतु कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, भीलवाड़ा पाली अजमेर और जैसलमेर। अब आप जानते हैं वस्त्रों के लिए हमारा मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा ही है, तो सही आंसर है भीलवाड़ा ए। सातवां, जयपुर के निकट मानपुरा माचेड़ी में किस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग और सीमेंट उद्योग। मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है चमड़ा उद्योग। आगे देखिए राजस्थान में दस्तकारी के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, जयपुर कोटा, बाड़मेर जालौर, जोधपुर जैसलमेर और सीकर बीकानेर। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, जोधपुर जैसलमेर में स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में पुष्प उत्पादन हेतु सर्वप्रथम औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, पुष्कर अजमेर खुशखेड़ा और सांगानेर। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर, खुशखेड़ा में स्थापित किया गया है। अगला देखिए राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो इसमें आप ऑप्शन देखिए सीतापुरा जयपुर, नीमराणा अलवर, लालगढ़ बीकानेर और बोरानाड़ा जोधपुर। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है सीतापुरा जयपुर। अगला देखिए राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई थी, राजनगर, मकराना, जयपुर और किशनगढ़। क्या होगा इसका सही आंसर, किशनगढ़। अगला देखिए राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग और चमड़ा उद्योग। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था, जयपुर, निम्बाड़ा, ब्यावर और लाखेरी बूंदी। तो ये लाखेरी बूंदी में खोला गया था। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए, निम्बाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर, गोटन नागौर एवं भोपालगढ़,
सिरोही एवं पाली, चित्तौड़ एवं लाखेरी। तो कहाँ पे किए गए? गोटन नागौर में और भोपालगढ़ में। उसके बाद आप देखिए राज्य में तेलगाड़ी का उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। इसमें पहला देखिए जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर, राजसमंद, पाली, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में सबसे पहले तेलघाणी का संयंत्र लगाया गया। आगे देखिए राजस्थान में ग्वार गम उद्योग के प्रमुख केंद्र है उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, जयपुर एवं अजमेर, कोटा एवं झालावाड़ और बीकानेर और चूरू। ग्वार गम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कांच उद्योग किन किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? सवाईमाधोपुर एवं जयपुर, सवाईमाधोपुर एवं जयपुर, धौलपुर व कोटा, जयपुर व पाली, उदयपुर व डूंगरपुर। तो कांच उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपके धौलपुर और कोटा में। राज्य में किस स्थान पर सहकारी चीनी मिल स्थापित की गई? श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, केशोराय पाटन, बूंदी। उपरोक्त में से कोई नहीं, सी आंसर सही होगा, केशोराय पाटन बूंदी, जो वर्तमान में बंद है। राजस्थान में वनस्पति तेल बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? जयपुर, अजमेर, कोटा और भीलवाड़ा। कहाँ खोला गया था दोस्तों? ये खोला गया था भीलवाड़ा में। उसके बाद अगला देखिए राज्य में नमकीन भुजिया, पापड़, रसगुल्ले उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नगर में हुआ है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर। सही आंसर है बीकानेर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।